हमारे पास एक बहुत प्यारी बाइक आई है, सुंदर सी, जिसमें क्रोम कलर की फिनिशिंग है और बड़ी प्यारी सी और लाल सी बाइक है ये। तो इसकी बात करेंगे आज हम और इसका ओनरशिप रिव्यू देंगे आपको, आइए देखते हैं, मजा आएगा। ये जो बाइक है ये इनकी है, अभिषेक की। तो क्या हाल है भाई? बढ़िया भाई, आप बताओ। तो आज मैं आपको इस बाइक का ओनरशिप रिव्यू प्रोवाइड कराऊंगा, जो रॉयल इनफील्ड की बुलेट 350 क्लासिक में है। तो ये इनके ओनर है, इनसे ही बात करते हैं। चलो, इस बुलेट का पूरा नेम क्या है भाई? क्लासिक 350 क्रोम रेड। क्रोम रेड एडिशन है ये। और ये कौन से ईयर की आई थी? 2021 का मॉडल है। क्रोम फिनिश है तो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, और रेड के साथ क्रोम फिनिश दिए तो बहुत ज्यादा डिफरेंट सी लग रही है। और मैं बता दूं, इसको ओन करे हो कितना टाइम हो गया आपको? ढाई साल इनको ओन करे हो गया, तो अच्छे खासी ब्रांड न्यू लग रही है। अगर आप देख पाओगे तो क्लोजअप ले लो एक बार। तो गाइस, ये बता रहे हैं आपको 2.5 साल होगी, तो ये आपने कितनी ड्राइव कर ली है, कितने किलोमीटर रन? मैंने अभी इसको करी थी 10,000 किलोमीटर। 10,000 किलोमीटर ये बाइक चल गई है, तो अच्छा खासा इन्हें एक्सपीरियंस हो गया होगा। तो आप मुझे इस बाइक के बारे में कुछ प्लस पॉइंट्स होते हैं, क्या आपको इसमें पसंद है और क्या अच्छी इसकी अच्छी बातें हैं जो आपको शेयर करनी चाहिए? देखो, मेरे को तो लगता है इसमें जो सेंसर लगा है स्टैंड में, वो सबसे अच्छा है। सेंसर लगा है? हाँ। उसका क्या यूज होता है वैसे? क्योंकि इसका यूज इसलिए होता है, जैसे गियर डलती है गाड़ी बंद हो जाती है, अगर स्टैंड नहीं हटाया नहीं तो। ओके, तो ये बता रहे हैं जो इसमें सेंसर है, अगर आपने की ऑन करी और गियर में गाड़ी है और स्टैंड लगा हुआ है, तो ये स्टार्ट नहीं होगी। तो इन्होंने बताया कि इसके स्टैंड में जो है वो सेंसर है, अगर आप इन्हें स्टैंड में, अगर आपकी गाड़ी है और आप इसे स्टार्ट करते हो गियर पे, तो ये स्टार्ट नहीं होगी। जैसे आप देख पा रहे हो बटन दबा रहे हो तो स्टार्ट नहीं हो रही, तो ये इसका एक प्लस पॉइंट है। क्योंकि इन केस अगर आप राइड करते हैं और स्टैंड लगा हुआ होता है तो बाइक गिरने के चांसेस होते हैं। बिल्कुल, तो दिस इज वेरी गुड पॉइंट फ्रॉम रॉयल इनफील्ड। एंड आप बताइए कि ये कितने क्या माइलेज प्रोवाइड कराती है आपको? माइलेज तो कंपनी इसको बोलती है 25 से 30। 25 से 30 जहाँ तक मैंने चलाई इसको अभी तक, तो हाईवे पे 35 दे देती है। मैं नहीं मानता। अगर कोई इसे लोकल में ड्राइव कर रहा है तो कितने किलोमीटर आपके हिसाब से? ये फिर चलेगी 25। तो ये आपके लिए ठीक है ये माइलेज? वैसे तो लोकल के लिए तो बहुत कम है। लोकल्स के लिए कम है ना? बहुत कम है। तो आप सेटिस्फाइड हैं? लोकल के लिए तो नहीं हूँ मैं, हाईवे के लिए नहीं। अगर आपको लॉन्ग रूट जाना तो अच्छा माइलेज दे देगी गाड़ी है। और आप स्पीड की बात करें तो हम इसकी 120 क्रॉस कर देती है, आराम से चली जाती है, कोई वाइब्रेट भी नहीं करता। बढ़िया है, 120 क्रॉस कर देती है। और वैसे इस कंपनी क्या क्लेम करती है कि कितनी टॉप स्पीड होनी चाहिए? कंपनी तो बोलती है 110, बट आपने ऐसे 120 मैंने चला ले गए हो। तो ये है इसकी टॉप स्पीड जो है वो 120 अराउंड, और इन्होंने 10,000 किलोमीटर चला लिया है। तो इसके सर्विस कॉस्ट होती है उसको किस टाइप की, ज़्यादा ओवर रेटेड है या एक्सपेंसिव लगती है आपको, किस टाइप की है सर्विस? शोर सेंटर में तो ज़्यादा है ही। कितना मतलब आपको एक मंथ का कितना सा चार्ज पड़ जाता है? मेरे को मंथ का पड़ जाता है कम से कम 1700। तो इसकी जो है वो 1700 रुपये में हो जाती है फर्स्ट सर्विस का, बस जो फर्स्ट सर्विस है वो बताइए, क्योंकि उसमें लेबर चार्जेस नहीं होते, राइट? सही पकड़े हैं। तो अगर जब आप पेड सर्विस करवाओगे तो उसके बाद मे बी 100,000 and something इंक्लूड हो जाएगा। लेबर चार्जेस अराउंड 1200-1300 रुपए का होता है, राइट? बिल्कुल। तो होंडा से तो वैसे थोड़ी सस्ती सर्विस लगी मुझे, बट सर्विस ऑप्शन जिसके पास आपके पास इसके बहुत है, जैसे सर्विस सेंटर आपके नियर बाय? बिल्कुल, ऑल ओवर इंडिया। ठीक, और सर्विस कैसी प्रोवाइड कराते हैं आपको ये? सर्विस है बहुत अच्छी प्रोवाइड, कोई स्कैम वगैरह जैसे कि सर्विस कोई स्कैम नहीं करते। अगर आपको कहीं फ्यूचर में कोई मतलब रोड पे जा रहे हो, कोई दिक्कत भी आ गई, तो आपको बस एक कॉल करना है और आपकी ट्रॉली आ जाएगी, आपकी गाड़ी लेके चली भी जाएगी। ठीक है। तो गाइस, इन्होंने मुझे ये बताया कि रॉयल इनफील्ड की एक बहुत अच्छी सर्विस है, जो आई थिंक सारे जितने भी ब्रांड्स है बाइक ब्रांड्स है उनको भी प्रोवाइड करानी चाहिए। जैसे कि आपने बताया कि आपका फ्यूल खत्म हो जाता है किसी ऐसे एरिया में जहाँ पे पेट्रोल पंप नहीं है, तो वहाँ पे इनकेस क्या आपके पास रहता है ऑप्शन? तो कंपनी ने एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हो कि जो कंपनी का नंबर है उस पर आप कॉल करो। ठीक है, कॉल करो, उसके बाद फिर आपको फ्यूल ला के देंगे, फ्यूल भी प्रोवाइड कराएंगे, और एंड देन सेकंड कोई प्रॉब्लम गाड़ी में आ गई, ग्लिच हो गई कोई गाड़ी, राइट, आपके पास लिफ्ट कराने के लिए दूसरा व्हीकल आ जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी सर्विस है जो रॉयल इनफील्ड प्रोवाइड कराता है। आई थिंक और भी ब्रांड्स करवाते होंगे, बट मुझे एज अच इतना पता नहीं है, बट इन्होंने बताया कि रॉयल इनफील्ड करवाती तो वो बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि अगर इनकेस आप बहुत वैसे एरिया पे या कहीं पे फंसते हैं तो आपके पास एक सेकेंडरी ऑप्शन होना चाहिए, विच इज़ गुड फॉर यू और सेफ रहता है वो चीज़। तो अभिषेक, आपको 2.5 साल हो गए इसे रन करते हुए, तो अच्छा खासा आपको एक्सपीरियंस होगा, तो आपको इस बाइक में क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है और क्या चीज़ पहले से इम्प्रूवमेंट हो चुकी है आपकी बाइक में?
देखो मेरे को तो सबसे ज्यादा इसमें एक चीज अच्छी लगती है, इसमें एक तो डिजिटल मीटर दे दिया, डिजिटल मीटर दे दिया, ठीक है। यहाँ पे आप दिखा पाओगे तो कंसोल एक डिजिटल मीटर दे दिया, पहले जो इसमें नहीं आता था वो डायरेक्ट एनालॉग के फॉर्म में आता था, यहाँ पर अभी डिजिटल आ गया जिसमें आपको पेट्रोल फ्यूल वगैरह शो हो जाएंगे। और क्या चीजें हैं? और एक तो जो इसके बटन है ना स्विचेस, ओके, वो बहुत प्रीमियम है। हाँ ये चीज है, अगर आप देखोगे कि रॉयल एनफील्ड की जितनी भी बाइक्स हैं उनकी अब जो स्विचेस हैं वो मुझे भी पर्सनली काफी ज्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि प्रीमियम फील होती है, क्वालिटी जो होती है वो बहुत हैवी लगती है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। और इसमें एक चीज और है, इसमें आपको यूएसबी पॉइंट मिल जाता है, ये रहा। अच्छा ठीक है, आपको क्लच के नीचे ही यूएसबी चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है, जो 2.5 लाख की बाइक है उसमें भी चार्जिंग पॉइंट नहीं देते, क्योंकि जैसे हमारे पास होंडा है उसमें नहीं है चार्जिंग पॉइंट, तो इसमें दे रखा है, विच इज गुड। आपको एडिशनली नहीं लगवाना पड़ेगा, ना कोई वायरिंग कट होगी, विच इज गुड पॉइंट। एंड व्हाट अबाउट अदर, लाइक पिकअप कैसा है इसका? पिकअप तो इसका अच्छा है, पिकअप अच्छा है बिल्कुल, तो ऐसा फील नहीं होता कि लोकल, मतलब आप राइड कर रहे हो कि आपको कम पावर फील हो रही है? नहीं बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, मैंने सुना है कि बुलेट जब गर्म होती है तो और तेज भागती है, और अच्छा पिकअप। बिल्कुल सही सुना है, ये सच बात है, क्योंकि ये चीज तो रॉयल एनफील्ड के ओनर ही बता सकते हैं कि अगर आप बुलेट चलाते हो और वो जब जब हाईवे पे हीट होती है तो उसमें पावर और ज्यादा बनती है, बट दूसरी बाइक्स में ऐसा नहीं है, बट रॉयल एनफील्ड में ऐसा होता है। एक चीज मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जैसे कि आप बता रहे थे कि पॉइंट्स ये हैं, तो नेगेटिव पॉइंट्स बताओगे आप इसमें क्या है, आपको क्या चीज पसंद नहीं आती और क्या चीज इम्प्रूवमेंट हो सकती? देखो इसमें सबसे जरूरी नेगेटिव पॉइंट तो इन्होंने एक कर दिया, इन्होंने हटा दी, मतलब किक, किसकी किक हटा दी, गाड़ी में किक ही नहीं है। तो भाई ये जो क्लासिक 350 है तो इसमें जो है किक का ऑप्शन नहीं मिलता, इसमें सिर्फ सेल्फ मिलता है, मैं आपको दिखा दूंगा। हाँ तो आप बता रहे थे इसमें किक का ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल किक का ऑप्शन नहीं है, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपको कोई भी किक नहीं मिलती, क्योंकि पहले ये होता था कि बुलेट्स में सेल्फ नहीं आते थे तो किक से बंदे यूज करते थे, लेकिन किक से वो डरते थे किक मारने से, बिकॉज वो बैक मारती है तो लेग में लग जाती थी चोट। तो ये एक तो ये प्लस पॉइंट भी है कि किक का ऑप्शन नहीं है, आप सेफली ड्राइव कर सकते हो और सेफली स्टार्ट कर सकते हो। बट एक चीज और है इसी किक की नेगेटिव पॉइंट, अगर आपके पास किक नहीं है तो आप इसे इनकेस अगर किसी सिचुएशन में फंसते हो तो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो? देखो अगर आपके पास किक नहीं है, अगर बाई चांस की बैटरी डेड हो जाए तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, या गाड़ी पे बैठ जाओ और पीछे वाला इंसान धक्का मारे, पीछे वाला इंसान धक्का रखो सेकंड में। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं, वरना अदरवाइज एक ऑप्शन और है, तब आप कंपनी में कॉल करो, वो कंपनी आएगी, गाड़ी भेजेगी लिफ्ट वाली, तो वो गाड़ी लेके कंपनी लेके जाएगी, फिर वहाँ पे जाके इसकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अच्छा हाँ। तो यार ये चीज तो आपने बोला कि किक नहीं है और दूसरे गियर पे डालो वो स्टार्ट हो जाएगी अगर कोई धक्का मारेगा तो, बट इसमें बैटरी सेल्फ दी तो कंपनी ने किसी रीजन से सेल्फ पे मतलब डिपेंड हुए होंगे ना कि किक के विदाउट भी ये स्टार्ट हो सकती है सेल्फ अगर कैसी भी सिचुएशन हो, तो आप इस बात से एग्री है? बिल्कुल मैं इसमें एग्री हूँ, क्योंकि जो इनका सेल्फ है ना वो बिल्कुल कार वाला सेल्फ है, कार वाला सेल्फ है। हाँ, जो एक बार क्योंकि लग जाए तो आप ना गाड़ी बंद नहीं होगी ये, ओके। मतलब और जो सेल्फ होते हैं स्प्लेंडर गाड़ी में उनके जब सेल्फ लगते हैं तो कई बार बंद हो जाती है, और ये गाड़ी सेल्फ ऐसा है कि एक बार में स्टार्ट करके स्टार्ट हो जाती है। राइट, तो इन्होंने बताया हमें कि सेल्फ ठीक है, बट लेकिन इनके आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कि सेल्फ आपका वर्क ना कर रहा हो और आपको बाइक स्टार्ट नहीं हो रही हो? हाँ, तब मेरे साथ एक बार हुआ था, तब मैंने कंपनी में फ़ोन किया था, तब उन्होंने बोला था सर आपके लिए हम गाड़ी भेज दे रहे हैं ट्रोल वाली, ओके। तो लेके गए थे, फिर उन्होंने वहाँ पे उन्होंने बैटरी चेंज करी थी, मेरी बैटरी डेड हो गई थी। राइट, तो ये इन्होंने इशू फेस किया है कि एक बार इनकी सेल्फ नहीं स्टार्ट हो रही थी, सेल्फ से बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी, बट कंपनी के पास ऑप्शंस थे, उन्होंने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराई इन्हें, जैसे कि उन्होंने एक व्हीकल भेज दिया टो करने के लिए गाड़ी को, तो वो ठीक है। बट आप एक चीज़ बताइए, अब की जो 2024 में जितनी भी बाइक्स आ रही हैं, आप चाहे 2 लाख की ले लो या आप 2.5 लाख की ले लो, उसमें सारे क्या नाम है LED लाइट्स का सेटअप्स आता है, तो आप इस चीज़ से डिसअपॉइंटेड हो अपनी बाइक से? यानी मैं इससे थोड़े अपॉइंटेड हूँ, डिसअपॉइंटेड हूँ बिल्कुल, क्योंकि अब बंदे दो लाइक जो कंपनीज में जितने भी न्यू ओनर्स हैं उनको जो बाइक मिल रही है वो LED सेटअप्स के साथ मिल रही है, बट रॉयल इनफील्ड में ऐसा है कि अभी तक उनकी बाइक्स में जितने भी अगर 2 लाख और 2.5 लाख के बाइक्स हैं उसमें अभी तक LED सेटअप्स नहीं आया। राइट, बिल्कुल राइट, हैलोजन लाइट मिलती है, हैलोजन, तो आपको इसमें हैलोजन लाइट मिलती है अभी भी, तो कोई भी LED लाइट का सेटअप नहीं है, आपको अपने अकॉर्डिंगली ही मॉडिफाई कराना होगा जिससे आप लगवा सकते हो। जैसा ये बता रहे थे इनकी बाइक की कॉस्ट अराउंड 2,65,000, और इन्होंने एडिशनली जो ट्यूबलेस टायर नहीं आते और ट्यूबलेस इनकी व्हील नहीं है वो और ज्यादा एक्सपेंस करना पड़ा अपनी बाइक के लिए, वो कॉस्ट इनको पड़ी अराउंड 2,65,000 के साथ, इन्होंने 20,000 रुपये का भी और एडिशनली खर्चा हुआ इनका, तो ये आपको बाइक कितने की पड़ेगी टोटल? 285 की। राइट राइट, तो ये चीज़ बुलेट की तो पुरानी मतलब पुरानी थिंकिंग लगती है, क्योंकि ट्यूबलेस टायर अभी तक नहीं आए, स्टैंडर्ड ले लो आप, नई वाली क्लासिक ले लो, उसमें ट्यूबलेस टायर भी नहीं आए ना ट्यूबलेस व्हील आई, तो वो दोनों चीज़ ओनर को तुरंत जाकर करवानी पड़ती है, क्योंकि इनकेस अगर आपका पंचर होता है तो आपको ऑन द स्पॉट चेंज करवानी पड़ेगी।
क्योंकि उसमें टायर पूरा फ्लैट हो जाता है अगर पंचर होती है। तो ये सारी चीजें थी कुछ बुलेट्स की नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ शेयर करी। बाकी आप बताना कमेंट में क्या क्या चीज इंप्रूवमेंट हो सकती है बुलेट में, और इसकी क्लच और ब्रेकिंग सिस्टम कैसा है इसका? बिल्कुल स्मूथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, एज अ हार्ड नहीं होता ना? नहीं, बिल्कुल हार्ड नहीं। जो पुरानी वाली बुलेट्स हो गई उनमें बहुत ज्यादा हार्ड था, तो ये चीज तो इंप्रूवमेंट उन्होंने ऑलरेडी की हुई है, तो बहुत अच्छी बात है। और इसमें डुअल चैनल ABS मिलता है आपको, विच इज़ गुड पॉइंट, और जो स्टैंडर्ड है उसमें नहीं मिलता, बट उसकी कॉस्ट भी कम हो जाती है। तो ये 2,65,000 में आप ये और भी ज़्यादा कुछ दे सकते थे बाइक में इंप्रूवमेंट्स ना। 2,65,000 में ओनली बुलेट है, नो ट्यूबलेस टायर, नो अलॉय व्हील, हाँ और कुछ भी नहीं है, बस जस्ट दो डुअल चैनल ABS दे दिया है उन्होंने, बाकी चीज़ें उन्होंने कुछ इंप्रूवमेंट नहीं करी, ना LED हेडलैम्प्स है, ना LED इंडिकेटर्स है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। और आपको इसके बाइक के साथ ये लेग गार्ड आपने कंपनी से लगवाया? कंपनी से लगवाया। तो इसके भी पे करें आपने? हाँ, 5,000। राइट, तो आपको जस्ट बुलेट मिलेगी और कोई एडिशनली एक्सेसरीज नहीं मिलेगी, जस्ट आपको ये बैक रेस्ट मिलता है बुलेट के साथ ही, और ये लेग गार्ड आपको लगवाने पड़ेंगे। तो आई होप यू फाइंड गुड पॉइंट्स इन बुलेट और रॉयल एनफील्ड, जो आपको अगर आप इन फ्यूचर कोई भी बाइक्स लेते हैं रॉयल एनफील्ड से तो रिव्यू प्रॉपर चेक करेंगे आप। तो ये था कुछ अभिषेक का रिव्यू फ्रॉम हिज बाइक, और थैंक यू सो मच अभिषेक फॉर योर काइंड टाइम और काइंड इंफॉर्मेशन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।